नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है WTS क्लासेज में। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में, और इसका आज ये पार्ट फर्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे कोई नंबर रेशियो में होता है और कैसे कोई नंबर प्रोपोर्शन में होता है और किस तरीके से उसके आंसर को हम लोग निकालेंगे। और पार्ट टू वीडियो में आपको ट्रिक मिलेगा जो बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। खैर, आज हम लोग बात करते हैं रेशियो को और प्रोपोर्शन को थोड़ा डिफाइन तरीके से। सबसे बात करते हैं पहले रेशियो को। तो रेशियो क्या होता है? अच्छा, सिंपलीफाई आप जानते हैं कि डिवीज़न क्या होता है? जी हाँ, बेहतर आप जानते होंगे। किसी भी नंबर को जो हम लोग ए बाई बी के रूप में लिखते हैं तो फ्रैक्शन हो गया। अच्छा, इसका यह मतलब होता है कि ये नंबर बी जो है वो ए को डिवाइड कर रहा है। तो इस तरीके को अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज़ टू बी। इसका मतलब हुआ ए को बी डिवाइड कर रहा है, या फिर बी को ए डिवाइड कर रहा है। ये जो पार्ट होता है ना, ये रेशियो का जो साइन होता है, ये बताता है डिवाइड को। ठीक है, इसका मतलब है कि ए बी को डिवाइड कर रहा है या फिर बी ए को डिवाइड कर रहा है। आप चाहें तो किसी और नंबर से भी दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, अगर वो नंबर इन दोनों के फैक्टर में आता है तो। आगे बढ़ते हैं समानुपात के बारे में, या फिर प्रोपोर्शन कह सकते हैं। तो जब दो रेशियो आपस में रेशियो करें, दैट इज़ नॉन एज समानुपात। इंग्लिश में कहें तो प्रोपोर्शन। इसमें क्या हो रहा है, ए और बी आपस में रेशियो बना रहे हैं, सी और डी आपस में रेशियो बना रहे हैं, और इन दोनों का भी एक रेशियो बन रहा है यहाँ पर, दैट इज़ नॉन एज प्रोपोर्शन। क्लियर है? आप ऐसा करते हैं क्लियर होंगे। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं रेशियो का। एग्जांपल के तौर पे अगर हम लेते हैं 125:216, क्या लेते हैं, 125:216। अब इसका कहता है कि हमको रेशियो निकाल के दिखाइए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? ऑब्वियसली हम इसमें चेक करेंगे कि कैसे इसका निकलेगा। तो 125 को अगर हम चाहें तो 5 × 5 × 5 लिख सकते हैं। ठीक, 216 को हम लिख सकते हैं कैसे, 216 को लिख सकते हैं हम लोग 6 × 6 × 6। अच्छा, इसको अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 5 का पावर 3, और इसको 6 का पावर 3। मैंने क्या कहा, मैंने कहा इसका मतलब हो गया डिवाइड। ये जो साइन देख रहे हैं, इसका मतलब है डिवाइड, यानी ये टर्म इसको डिवाइड करेगा, ये टर्म इसको डिवाइड करेगा, वो चाहे कैसे भी डिवाइड करे। ठीक है, तो हम इसके बेस को डिवाइड ना करके आपस के इसके पावर को डिवाइड कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आइए करके देखते हैं। 3 से जैसे 3 डिवाइड करेंगे कट जाएगा, और इसका आंसर क्या आएगा, 5:6। तो इस तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में बहुत आते हैं। तो आप NTPC हो, चाहे SSC हो, चाहे और भी कोई एग्जामिनेशन हो, बैंक PO, कोई भी एग्जामिनेशन हो, आप वीडियोस फॉलो कीजिए, तरीक़े को फॉलो कीजिए। अगर आपको पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, और अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं प्रोपोर्शन में। मैंने कहा कि पहले ये दो नंबर आपस में सब्स्टिट्यूट होते हैं, यानी रेशियो होते हैं, दूसरे भी आपस में रेशियो होते हैं, और इन दोनों का एक रेशियो निकलता है। आइए एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। एग्जांपल के तौर पे अगर हम लेते हैं एक नंबर, जैसे कि हम लेते हैं तो 2:3:2:2, देख रहे हैं 2:3:2:2, 4:6। मैंने क्या कहा कि ये दोनों आपस में रेशियो करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोपोर्शन में रेशियो का यहाँ पर मतलब हो जाता है इक्वल। समझ में आया नहीं? अच्छा, आगे बढ़ते हैं, आपको अपने समझ में आ जाएगा। देखिए, करना क्या अपने को, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। इन दोनों का रेशियो कुछ इस तरीके से बनेगा। मैंने अभी जस्ट बोला कि रेशियो का मतलब क्या है, डिवाइड है। तो 2:3 का मतलब हो गया 2/3। ठीक है, और इसका मतलब मैंने बताया इक्वल। ठीक है, और 4:6 का मतलब 4/6। क्लियर है? हाँ या ना? चलिए अब इसको आपस में काटते हैं। तो क्या ये इसके बराबर है? अब ये जो मैंने प्रोपोर्शन बताया है, इसके हिंदी मतलब पे आते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या सही बात है कि नहीं। देखिए, समानुपात किस चीज़ से बना है?
समान जोड़ अनुपात, और अनुपात मतलब हम लोगों ने क्या देखा, रेशियो। तो समान मतलब इक्वल होता है, अने अनुपात मतलब रेशियो, यानी इक्वल रेशियो। क्या ये रेशियो इक्वल है? मैंने क्या क्या था, दोनों आपस में रेशियो करेंगे, यानी ये इक्वल है। जी हाँ, ये इक्वल है, इट मीन्स दे आर इन प्रोपोर्शन। समझ में आया? थोड़ी सी बात समझ में आई होगी। अब इस चीज का अगर हम सिंपल सा ये करें, एनालाइज करें, तो रेशियो क्या हो गया, दो नंबर का आपस में डिवाइड, और प्रोपोर्शन क्या हो गया, दो रेशियो को आपस में बराबर करना। अब रेशियो का तो सिंपल सा है, डिवाइड कीजिए एन आंसर। प्रोपोर्शन में कभी कभी क्वेश्चन दे देता है, क्या क्वेश्चन देता है कि एक क्वेश्चन दे के देखते हैं, 2:3:4:x, ठीक है, कुछ अगर इस तरीके का क्वेश्चन देता है तो हम कैसे बनाएंगे इसको। तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि इसका मतलब होता है इक्वल, 2:3 का मतलब 2/3, इसका मतलब इक्वल, और इसका मतलब 4/x। यानी आपको पता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, तो ये टर्म इधर जाएगा, ये टर्म इधर आएगा x, और ये टर्म इधर जाएगा, इज इक्वल टू 4 × 3/2, यानी ये कटा, x का वैल्यू आ गया 6। यानी कि ये x यहाँ रखाएगा, और क्या ये मेरा प्रोपोर्शन सही है, तो हम लोग इसे पिछले वाले एग्जाम्पल को ही लिए थे। तो जी, हमारा x आया और ये आंसर सही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रोपोर्शन की मदद से हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर कोई टर्म प्रोपोर्शन में से निकला हो तो हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और रेशियो की मदद से हम किसी भी नंबर को आपस में काट सकते हैं। तो आज का क्लास यही ख़त्म होता है। आज आपके क्लास में आपको मैंने ब्रीफ में बताया है कि रेशियो और प्रोपोर्शन होता क्या है, आप इसको किस तरीके से बना सकते हैं, और कल के क्लास में आपको मिल जाएगा, आने वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा इसका ट्रिक। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।